गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ सर मनीष, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। तो जैसा कि हम लोग हमारे फोर्थ चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसमें हमारे को एक ही टॉपिक दिया गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उसमें हम लोगों ने कल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मीनिंग देखा था, और हमने देखे थे कुछ चेंजेस जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में आए थे। तो आज हम देखना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि इंग्लैंड के अंदर हुई थी। तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस बुक के अंदर आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई। यानी आज आप जो टॉपिक अभी आपको दिखाई दे रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पर, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड, यानी ऐसा क्या कारण रहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड से ही शुरू हुई। देखें जरा, इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट एक्सपीरियंस्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो आधुनिक औद्योगिकरण हुआ, जो जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई उनमें से इंग्लैंड ही वो एक देश था जिसने इसको अनुभव किया। In comparison to other countries of Europe, England held several conditions which made industrial revolution possible in that country. यानी ऐसा कुछ परिस्थितियाँ रही दूसरे देशों के comparison में, अगर अपन यूरोप कॉन्टिनेंट को ले लें या दूसरे देशों को इसके कंपेयर में लें, इंग्लैंड के कंपेयर में, तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी, सिचुएशंस थी, जिसकी वजह से बहुत आसानी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड के अंदर शुरू हो पाई। पहला देखें, लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड, रॉ मटेरियल एंड अ न्यू मार्केट वर अवेलेबल इन द कॉलोनियल एम्पायर ऑफ द 18th century, वाइल अदर यूरोपियन कंट्रीज डिड नॉट हैव सच कॉलोनीज। हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जिस समय सबसे बड़ी सुप्रीम पावर अगर कोई थी तो वो इंग्लैंड ही था, जिसने पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कॉलोनीज जो है वो स्टैब्लिश की हुई थी। अगर उसकी ज़्यादा कॉलोनीज थी तो बड़ा ऑब्वियस और नेचुरल ही ये एस्पेक्ट हो जाएगा कि वहाँ का रॉ मटेरियल और अपनी चीज़ों को बेचने का जो मार्केट है उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये पहली कंडीशन थी उसके पास। सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाई एरियाज इन इंग्लैंड। दूसरा जो सबसे बड़ा था कि भाई अगर आप इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं तो यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयरन और पावर के लिए उसको कोल, ये दोनों माइंस उसके नज़दीक के क्षेत्र में ही जो है वो अवेलेबल हो गई। जैसे इसमें लिखा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाई एरियाज फैसिलिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ आयरन, सॉलिड आयरन वॉज नेसेसरी फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स। मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसके पास में इन दोनों चीज़ों की माइंस अवेलेबल थी तो वो आसानी से मशीनों का निर्माण कर सकता था और उसने इसका फ़ायदा उठाया। थर्ड वन इज प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन, यानी द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ फ्रांस वॉज बेस्ड ऑन द लग्जीरियस गुड। फ्रांस उस समय एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था और वो सारी महंगी चीज़ों का जो है वो एक्सपोर्ट करके उसका पैसा कमा रहा था। द कंजप्शन ऑफ लग्जीरियस गुड ऑलवेज रिमेंड लिमिटेड, वाइल द एक्सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड वर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ गुड्स दैट ऑलवेज रिमेंड इन हाई डिमांड। और उसके कंपेरिजन में इंग्लैंड जो है वो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा था जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। भाई अगर जैसे मैं जनरली आपको एक एग्जांपल में समझाऊं कि भाई आज के समय में एक देश अनाज की एक्सपोर्ट करता है और एक देश महंगी गाड़ियों की एक्सपोर्ट करता है, तो कौन सी चीज़ हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद रहेगी? अनाज रहेगी। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड जो है वो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था जो लोगों की बेसिक नीड होती थी। इंग्लैंड बिलीव्ड दैट इफ़ द सोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स इन अ चीपर वे आर डिस्कवर्ड देन देयर मार्केट कुड बी इंक्रीज फर्दर। और इंग्लैंड को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ था कि अगर इन सारी चीज़ों को जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर उसे सस्ते दाम में उपलब्ध हो जाए, वो बना पाए, तो इसका मार्केट और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हैंस इंग्लैंड वॉज रेडी टू अडॉप्ट सच वेज बाय विच इट कुड प्रोड्यूस द गुड्स ऑन लार्ज स्केल। और इसीलिए इंग्लैंड पूरा अच्छे से तैयार था कि ऐसा कुछ अवेलेबल करूं, ऐसा कुछ प्रोड्यूस करूं, ऐसा कुछ बनाऊं जिससे मैं
मेरे मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ। और वो चीज़ इम्प्रूव करने के लिए उसने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया वो दिया उसने किसको? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर्स, देखिएगा, व्हेन द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इन इंग्लैंड द सेमी स्किल्ड लेबर्स स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन सिटीज इन लार्ज नंबर्स। और जब जमींदार व्यवस्था, सामंतशाही ख़त्म कर दी गई इंग्लैंड के अंदर, तब क्या हुआ कि जो वहाँ के लेबर थे जो कि सेमी स्किल्ड थे, एक साथ बहुत प्रकार के कामों को कर सकते थे, उन्होंने सिटीज़ के अंदर जाकर के रहना शुरू कर दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन स्टार्टेड दे बिकम अवेलेबल टू वर्क ऑन मशीन्स। और जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होती है तो वो सारे वर्कर्स जो वहाँ सिटीज़ में रह रहे थे वो इंग्लैंड को आसानी से मिल गए उनकी मशीनों पर काम करने के लिए। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वॉर, पांचवा कारण है इसका। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द वॉर ऑफ नेपोलियन कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई और नेपोलियन की जो लड़ाई थी, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को इंग्लैंड में डेवलप होने के लिए। कैसे? ड्यूरिंग द वॉर इंग्लैंड फेल्ट द नीड ऑफ इम्प्रूव्ड वेज ऑफ प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स सोल्जर्स एंड द सोल्जर्स ऑफ इट्स अलाइड कंट्रीज। इंग्लैंड को वर्ल्ड वॉर के दौरान ये लगने लगा कि उसको और उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उस वर्ल्ड वॉर में उसके हिस्सेदार हैं लड़ने के अंदर, तो उनके लिए, उनके सैनिकों के लिए इनको इम्प्रूव्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। दैट्स वाई उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, ताकि बेहतर प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सके, सोल्जर्स को अच्छे वेपन्स दिए जा सकें, सोल्जर्स को अच्छी ड्रेस मटेरियल दे सकें। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इंग्लैंड हैड मोर कैपिटल टू सेटअप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। और बड़ा नेचुरल है, क्योंकि अगर उसके पास में ज़्यादा कॉलोनीज है तो उसके पास में पैसा भी ज़्यादा होगा। तो उसके पास जब पैसा ज़्यादा था यूरोप की कंट्रीज़ के कंपेरिजन में, तो उसने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सेटअप करना शुरू किया। द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन वॉज सपोर्टिव ऑफ कलेक्टिंग मनी एंड टू प्रमोट इट्स यूज़। उसके पास में यही था, जितना ज़्यादा पैसा उसको उतना ज़्यादा वो यूटिलाइज करना चाह रहा था। इन 18th century द बिजनेसमैन ऑफ इंग्लैंड गॉट द फैसिलिटी ऑफ प्रोक्योरिंग लोन्स एंड ऑल्सो एक्यूमुलेटिंग द कैपिटल। और 18th century के अंदर बिजनेसमैन जो थे इंग्लैंड के, उनको इस प्रकार का सरकार ने बेनिफिट भी दिया कि आप लोन लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें। सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंग्लैंड, सातवां पॉइंट है इसका। द ज्योग्राफिकल पोजिशन ऑफ इंग्लैंड वॉज फेवरेबल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यानी उसकी जो स्थिति है वो बिजनेस के नज़रिए से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे? इंग्लैंड वॉज सराउंडेड बाई कोस्टल बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल फोर साइड। यानी इंग्लैंड के चारों डायरेक्शन के अंदर वाटरवेज लग रहा था, तो वहाँ से वो अपने सामान को भेज भी सकता था और सामान को मंगा भी सकता था। देयरफॉर इट रिमेन्ड सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेंशंस एंड लॉसेस वॉर, दस इट कुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पानी होने की वजह से युद्धों से बचा हुआ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान को एक्सपोर्ट और जो उसके रॉ मटेरियल ज़रूरी थे उनको इम्पोर्ट करता रहा, और इसी वजह से वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाया। आठवां जो इसका रीज़न था, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड ऑल्सो प्रमोटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मेन था कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को अच्छे से रेगुलेट करना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर बेस्ड भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी जो है वो इंग्लैंड के अंदर शुरू हुई, और उसी ने प्रमोट किया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी इंग्लैंड के अंदर शुरू की जाए। प्रमोटिंग साइंटिफिक इन्वेंशंस, यानी इंग्लैंड कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज गेव मोर फ्रीडम टू इट्स साइंटिस्ट रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंटरफेसेस एंड गेव एनकरेजमेंट टू साइंटिफिक एसोसिएशन। एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्डिसिव सिचुएशन साइंटिफिक इन्वेंशंस लार्जली टुक प्लेस इन इंग्लैंड। यानी उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को ये फ्रीडम दे दी, छूट दे दी और प्रमोट किया कि आप
कोई भी सिचुएशन आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखिए और उन एक्सपेरिमेंट्स का जो प्रभाव है वो हमारे को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में दिखाई देना चाहिए. दे एक्चुअली दे एक्सपांड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर साइंस फील्ड, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा है, आज हमने देखे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर ही क्यों शुरू हुई, उसके कारण देखिए वापस एक बार देख लेते हैं. पहला कारण था लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड, दूसरा था अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाई एरियाज इन इंग्लैंड, थर्ड था प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन, फोर्थ था अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर्स, फिफ्थ था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वॉर, सिक्स्थ था अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सेवन्थ था सूटेबल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंग्लैंड, एट्थ था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, और नाइन्थ था प्रमोटिंग साइंटिफिक इन्वेंशंस. ये 9 कारण थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी. तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब हम देखेंगे कि जो इन्वेंशन हुए और जो बदलाव किए गए वेरियस सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उसका क्या प्रभाव इंग्लैंड के ऊपर और विश्व के ऊपर पड़ा. तब तक के लिए धन्यवाद.